दिल्ली कैपिटल्स के सामने है राजस्थान रॉयल, रॉयल राजस्थान वर्सेस कैपिटल है हिंदुस्तान। सिक्का उछला और गिरा श्रेयस अय्यर के पक्ष में और टॉस जीत के देखिए सूर्य हो सकता है कि वो पश्चिम से उग जाए, लेकिन टॉस जीत के सब बैटिंग करते हैं, अब ये डिसाइड हो गया है। युवा पृथ्वी शॉ 8 मैच 202 रन, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। जोफ्रा आर्चर, इनके तरकश में सनी भाई बहुत सारे तीर। अंदर आती गेंद, बाहर जाते पृथ्वी शॉ, फर्स्ट बॉल गोल्डन डक। पृथ्वी शॉ शून्य पर आउट, दिल्ली कैपिटल शून्य पर एक विकेट। ये शिखर बेफिकर जड़ दिया पहला चौका, अपना भी और इस पारी का भी। सीधा गई गेंद फील्डर के हाथ में, जोफ्रा आर्चर रहाणे का डिपार्चर, दूसरा विकेट गवा दिया दिल्ली कैपिटल्स ने। रहाणे 2 रन करके आउट, 10 पर 2 विकेट दिल्ली कैपिटल। बाउंसर थी तो सही, लेकिन उसका दिया करारा जवाब, शिखर धवन के खाते में गया है पहला छक्का। थोड़ा सा रूम बनाया मिड ऑफ के सर के ऊपर से, श्रेयस अय्यर ने बटोरा है चौका। यहां पे भी बार थी और चौका बटोरा शिखर धवन ने। इनसाइड आउट, गैप में है गेंद, 1 bounce 2 bounces इन टू द फेंस, शिखर धवन। पहले ही गेंद पर 6 डिपॉजिट किया इसको स्टैंड्स में। बेहतरीन बेहतरीन शॉट श्रेयस अय्यर, स्टोनिस अपने अंदाज में, गैप में गेंद, मिलेगा चौका। खूबसूरत खूबसूरत श्रेयस अय्यर बैट के बीचों बीच में और पहले टियर में गेंद डिपॉजिट की। ऊंची प्रयास है बड़ी हिट का, जोफ्रा आचर नीचे है, ये खिलाड़ी जो है गलती नहीं करता। श्रेयस अय्यर अच्छी पारी खेल के वापस जाएंगे डग आउट, कार्तिक त्यागी के हाथ लगी सफलता। सेट बैट्समैन को आउट किया, यहां पे श्रेयस अय्यर 53 रन बना के वापस जाएंगे। लो फुल टॉस, ये अच्छा शॉट है, अच्छी तरीके से टाइम किया है, गैप में है, मिलेंगे 4। स्लोअर बॉल लेकिन कमबैक डिलीवरी बहुत बढ़िया, लेकिन अक्षर पटेल ने जितनी गेंदें खेली 7 रन बटोरे, 161 रन बनाए दिल्ली कैपिटल्स के। जॉस बटलर और बेन स्टोक्स पारी की शुरुआत करेंगे, 131 का इनका स्ट्राइक रेट है। 17 विकेट लेकर सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हुए कगिसो रबाडा, पहली गेंद पैड पे और बेन स्टोक्स ने सिर्फ गेंद को टहलाया और पहली गेंद में चौके के साथ खुला खाता। ओहो हो, करारा करारा स्ट्रोक जॉस बटलर द्वारा, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल करके सिर्फ टाइम किया और गैप में ढूंढी गेंद, नोकिया। अब ये भी तेज गति से करते हैं, लेकिन बैट्समैन तैयार, ऑन एकेडमी क्रैकिंग 6। क्लीन बॉल, क्या शानदार वापसी, नोकिया ने अच्छी सी पोजीशन, आगे की गेंद स्टंप के मिडल में लगती हुई। जॉस बटलर 22 रन बना के आउट हुए, 37 पे 1 राजस्थान। कदमों का इस्तेमाल और इस गेंद को बहुत दूर भेजा है संजू सैमसन। बिग हिट, बिग सिक्स, क्या चिट की मांग है और पहली विकेट, डेब्यूटेंट तुषार देशपांडे ब्रेक थ्रू दिलाया और यहां पे बेन स्टोक्स को वापस भेजा पवेलियन और साझेदारी तोड़ जो 50 रन के करीब पहुंच रही थी। 41 रन बनाए बेन स्टोक्स ने, 86-3 राजस्थान। मोमेंटम जो शुरुआत में मिला था वो खोना नहीं चाहेंगे दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन मोमेंटम खोया यहां पे संजू सैमसन ने और अपनी विकेट भी। कट करने गए बैकफुट पे, एक उंगली से बॉल डाला था आम बॉल, सेट बल्लेबाज संजू सैमसन आउट हुए 25 रन बना के 97-4। ये काम खत्म नहीं कर रहा, रन आउट का चांस, काम तमाम, काम तमाम।
रास्ते से वापस भेजा रॉबिन उथप्पा ने और नुकसान हो गया रियान का। रियान पराग आउट हुए एक रन करके 110 पर 5 विकेट। ये बाहरी किनारा, चार रन मिलेंगे लेकिन तुषार देशपांडे ने अपनी टीम के लिए आखिरी ओवर डाल के काम किया। और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ये मैच हारता है 14 रनों से। तुषार देशपांडे, क्या शानदार डेब्यू रहा इनका, यादगार पहली विकेट बेन स्टोक्स, उसके बाद आखिरी ओवर डालना था इनको, दबाव था लेकिन इस युवा गेंदबाज ने वो अपने मजबूत कंधों पे वो दबाव सहा।